सीएम के नाम को लेकर चर्चा हो रही थी। जो दो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे उसमें आतिशी का नाम सबसे आगे चल रहा था और पिछले दो घंटे से आतिशी और कैलाश गहलोत के नाम को लेकर चर्चा हो रही थी, जिस तरह से हमारी संवाददाता ने भी आपको जानकारी दी। और अब फाइनल मोहर आतिशी के नाम पर लग गई है। आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। तो सीएम आवास पर विधायकों की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। दिल्ली के बैठक में नए सीएम के नाम पर मोहर फिलहाल लग गई है। आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। और अब 4:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब अरविंद केजरीवाल जो है वो इस्तीफा देंगे। और अब पार्टी कार्यालय में एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम जो उत्साह है वो वहां पर कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा होगा। लेकिन ये बड़ी खबर सामने आई है जिसमें आतिशी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी, आतिशी होंगी दिल्ली की नई सीएम। केजरीवाल ने रखा आतिशी के नाम का प्रस्ताव। आतिशी होंगी दिल्ली की नई सीएम, ये बड़ी जानकारी, क्योंकि लगातार आतिशी के नाम को लेकर चर्चाएं हो रही थी और ये कहा भी जा रहा था कि सबसे आगे जो है वो आतिशी का नाम चल रहा है। और पिछले दो दिनों में आतिशी को आपने तमाम इंटरव्यू में देखा होगा, हमने भी आतिशी से बात की। लेकिन आप देखिए बॉडी लैंग्वेज तमाम नेताओं की इस तरह की कि आप इससे अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आखिरकार फाइनल नाम या फाइनल मोहर किसके नाम पर लगने वाली है। लेकिन अब साफ हो गया है अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा और आतिशी बनेगी दिल्ली की सीएम। आम आदमी पार्टी विधायक दल में नेताओं ने चुना गया, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। आज आम आदमी पार्टी के विधायक दल में मीटिंग में इस पर फैसला हुआ है, आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और वहीं सुनीता केजरीवाल को लेकर भी इस तरह की जानकारी सामने आई कि वो मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक नहीं है, ये आम आदमी पार्टी नेताओं की तरफ से कहा गया। देखिए नए सीएम को लेकर आतिशी, दो नाम जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे, आतिशी का नाम इसमें सबसे आगे था, दूसरा नाम जो है वो कैलाश गहलोत को लेकर था। आतिशी आपकी स्थापना में पार्टी से जुड़ी है, जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई तब से वो जुड़ी है। अरविंद केजरीवाल की भरोसेमंद है आतिशी, क्यों आतिशी के नाम पर मोहर लगी, ये कुछ जरूरी बातें आतिशी से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। केजरीवाल चाहते थे कि आतिशी झंडा फहराए और जब आपको याद होगा कि हालांकि इस पर मना कर दिया गया था, दिल्ली के स्कूलों में बदलाव में अहम रोल आतिशी का रहा है। सबसे ज्यादा इस वक्त मंत्रालय अगर किसी के पास है तो वो आतिशी के पास है। दिल्ली में सबसे ज्यादा मंत्रालय आतिशी के पास है और उसके बाद जो है वो सौरभ भारद्वाज का नाम आता है। आतिशी के पास शिक्षा जैसा अहम मंत्रालय है जो कि मनीष सिसोदिया के पास था, जल मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी, राजस्व जैसे अहम विभाग जो है वो आतिशी के पास है। और शुरुआत से ही जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई तभी से आतिशी जो है वो इस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल की काफ़ी करीबी और एक तरह से कह सकते हैं कि जिन पर ज़्यादा विश्वास अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं उन नेताओं में आतिशी शामिल रही हैं। और इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मंत्रालय शिक्षा जैसा अहम मंत्रालय, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो सबसे ज़्यादा शुरुआत से ही शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर फोकस करती रही, ऐसे अहम मंत्रालय आतिशी के पास है। शिक्षा मंत्रालय आतिशी के पास है और कहीं ना कहीं ये तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि आतिशी के नाम पर ही फाइनल मोहर लगेगी और उसी तरफ इशारा विधायक दल की नेता उन्हें चुना गया। विधायकों ने आतिशी का स्वागत किया है, आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। विधायकों ने आतिशी के नाम का स्वागत भी किया, अरविंद केजरीवाल की तरफ से नाम को आगे बढ़ाया गया। और अब एक तरह से कह सकते हैं कि फाइनल मोहर जो है वो आतिशी के नाम पर
लग गई है। शुभ राणा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुभ राणा, दिल्ली को नया मुख्यमंत्री आतिशी जो है वो दिल्ली की अब नई मुख्यमंत्री होंगी, विधायक दल का नेता आतिशी को चुना गया, क्या कुछ जानकारी? और वहीं विधायकों ने आतिशी के नाम का स्वागत किया है। आतिशी अब नई मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की। केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा और फिर विधायकों ने आतिशी के नाम का स्वागत किया। देखिए, तमाम प्रयास लगाए जा रहे थे, तमाम संभावित नाम जो हैं वो आगे चल रहे थे और हर एक रूपरेखा में फिट कौन सा नेता बैठेगा इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं की जा रही थी, क्योंकि एक तरफ हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, दूसरी तरफ दिल्ली का विधानसभा चुनाव है 5 महीने बाद, और ऐसे में कौन सा नेता, कौन सा नाम फिट बैठेगा, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। और अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। शुभ राणा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुभ राणा, नया मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल गया, आतिशी की अब पारी की शुरुआत होगी। जी देखिए, बिल्कुल, इंडिया न्यूज उस बात पर लगातार बोलता आ रहा था कि आतिशी सबसे रेस में सबसे पहले आगे है, और देखिए इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लगती हुई नजर आई है, क्योंकि आतिशी वो नाम है जिस पर अरविंद केजरीवाल ने विश्वास जताया। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम का प्रस्ताव आगे रखा। सभी MLA जो है जो सुबह से यहाँ आ रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं मंद मंद मुस्कान से ये अनुभव लगाया जा रहा था कि देखिए पहले से ही पहले से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डिसाइड कर चुके थे, और देखिए सबसे ज्यादा विश्वसनीय चेहरा आतिशी है। और ऐसे में, क्योंकि आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे, सबसे ज्यादा आतिशी की उनसे मीटिंग हुई, जब झंडा फहराने की बात आई तब भी आतिशी का नाम आगे रखा गया। और देखिए जब आतिशी ने इंडिया न्यूज से बात की थी तब भी कहीं ना कहीं हमें यह अनुभव हो रहा था कि आतिशी ही अगला मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी। हालांकि कुछ ही देर में अब अरविंद केजरीवाल अपने आवास से बाहर निकलेंगे, 22 लग चुका है, और उसी 22 से ये ऐतिहासिक फैसला जो है वो सामने रखेंगे। और देखिए आतिशी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब ये जो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें जो महिलाएं हैं उनको लुभाने के लिए ये रणनीति बेहद कारगर साबित होगी, क्योंकि देखिए ये जो महिला सम्मान योजना है जिससे अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो दिल्ली की हर महिला को 1000 रुपए देंगे, तो ऐसे में जब आतिशी मुख्यमंत्री बनेगी इस चीज पर दस्तखत करना बेहद सहज हो जाएगा। और देखिए आपको ये भी बता दें कि महज 4 से 5 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री रहेंगी आतिशी, क्योंकि उसके बाद जब फिर से चुनाव होंगे, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पहले इस बात का दावा किया है कि अगर जनता की अदालत से उन्हें बहुमत मिल जाती है और फिर से उनकी सरकार बनती है तो ऐसे में फिर से अरविंद केजरीवाल चौथी बार PM पद की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन PM आवास पर हलचल बेहद तेज है, क्योंकि किसी भी वक्त अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर निकल सकते हैं, और आतिशी के नाम पर मोहर लगी। आतिशी के पास सबसे ज्यादा विभाग है, आम आदमी पार्टी हमेशा शिक्षा की राजनीति में दम भरती थी, शिक्षा विभाग आतिशी के पास था। 6 महीने जब अरविंद केजरीवाल अंदर रहे तो सारा का सारा मोर्चा जो है वो आतिशी ने संभाला था, और देखिए अब 4-5 महीने का ये समय है उसमें आतिशी अब जब PM के पद पर बैठेंगी तो क्या ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे वे भी देखना बेहद खास होगा। क्योंकि देखिए आतिशी ने लगातार इस बात को कहा था, जब उन्होंने इंडिया न्यूज से भी बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि मैं अरविंद केजरीवाल की सच्ची सिपाही हूँ। इस तरीके से आतिशी के बयान लगातार आए, और कहीं ना कहीं आज जो अरविंद केजरीवाल ने उन पर विश्वास जताया, और देखिए सुनीता केजरीवाल का नाम इसमें सामने नहीं आया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिर राबड़ी मॉडल कहती, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पूरे रणनीति तैयार करके आतिशी का नाम आगे रखा। और बेहद खास होगा देखना कि जब अरविंद केजरीवाल अपने आवास से निकलेंगे तभी MLA जो है वो उनके साथ खड़े हैं, और ऐसे में जब वो आतिशी का नाम ऐलान करेंगे और 4:30 बजे LG को जब वो रेजिग्नेशन लेटर देना चाहेंगे तब क्या कुछ रणनीति पार्टी की रहती है इस पे नजर सबकी टिकी हुई है। जी, और इसके साथ ही देखिए, क्योंकि सुनीता केजरीवाल को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सुनीता केजरीवाल का नाम जो है वो कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहा था, और एक इमोशनल कार्ड जो बार बार कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से
चला क्या है उसके हिसाब से सुनीता केजरीवाल, हालांकि अभी जो खबर सामने आई जिसमें ये कहा जा रहा था कि वो खुद भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती, लेकिन अब आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है आम आदमी पार्टी का? जी देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम की बात बताई जाए तो पहले सुनीता केजरीवाल का जरूर नाम था। आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, 6 महीने तक सुनीता केजरीवाल ने पूरा का पूरा खाका जो है वो आम आदमी पार्टी का संभाला था। फिर चाहे कैंपेनिंग की बात की जाए, तमाम ऐसे राज्य थे, और आपको याद होगा जो दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की रामलीला मैदान में, उसमें भी सुनीता केजरीवाल राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी और साथ ही तमाम बड़े विपक्ष के चेहरों के साथ मजबूती से नजर आई थी, भाषण भी दिया था। और कहीं ना कहीं देखिए, जब चंपाई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने थे और ऐसे में कल्पना सोरेन से भी वो बातचीत करती नजर आई थी, बड़ा प्रमुख चेहरा है वो, लेकिन की तरफ से ये बात जाहिर की गई कि मैं अभी राजनीति में नहीं आना चाहती, क्योंकि देखिए अगर सुनीता केजरीवाल को गद्दी पर बिठाया जाता तो फिर से भारतीय जनता पार्टी कहती कि ये लालू यादव के रास्ते पर चल रहे हैं, रावड़ी मॉडल बनाना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने पूरी रणनीति के साथ सुनीता केजरीवाल का नाम आगे नहीं पुश किया, तो ये भी एक आम आदमी पार्टी का बेहद बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और फिर बात की जाए तो देखिए, आतिशी का जो नाम सामने आया है वो अपने आप में बेहद बड़ा जो है आम आदमी पार्टी का स्टेप होगा, क्योंकि एलजी जो है, एलजी ने पिछली बार भी ऐसा किया था जब 15 अगस्त को झंडा फहराने की बात थी तो आतिशी का नाम काटकर कैलाश गहलोत का नाम लिखा गया था। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। और अगर आज के इवेंट की बात की जाए तो इसके बाद अभी कुछ ही देर में डाइस कट चुका है, बिल्कुल आतिशी जो है वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री, पहली सुषमा स्वराज, दूसरी जो है वो शीला दीक्षित रही, और तीसरी महिला मुख्यमंत्री का नाम जो है वो आतिशी का आगे बढ़ाया गया। और ऐसे में जिम्मेदारियां तमाम रहने वाली है शुभ राणा, क्योंकि कार्यकाल बहुत छोटा, 5 या 4 महीने देखने वाली बात होगी कितना वक्त उन्हें मिलता है, कब विधानसभा का चुनाव होता है, ऐसे में चुनौतियां बहुत होने वाली हैं आतिशी के सामने। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आतिशी तीसरी महिला मंत्री होंगी दिल्ली की। ऐसे में आतिशी की अगर बात की जाए तो देखिए, जब 6 महीने अरविंद केजरीवाल जेल में थे, पूरा का पूरा मोर्चा अगर किसी ने संभाला था तो वो आतिशी थी। जो भी प्रदर्शन होते थे आतिशी सबसे पहले उनको लीड करती थी। और आतिशी के पास कई विभाग थे, देखिए 13 विभाग थे आतिशी के पास, जिसमें शिक्षा सबसे प्रमुख था। शिक्षा की ऐसी तमाम नई बिल्डिंग्स का भी उद्घाटन करते हुए आतिशी नजर आई। लेकिन आतिशी को अगर आम आदमी पार्टी ने विश्वास जताकर आगे है, तो आप मान के चलिए इन 4 महीनों में एक एक दिन आम आदमी पार्टी इसका यूटिलाइज करेगी, क्योंकि अब आर या पार की आम आदमी पार्टी के साथ स्थिति है। क्योंकि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होना है वो त्रिकोणीय चुनाव होना है, कांग्रेस भी इस बार अखाड़े में सामने उतरी हुई है। तो ऐसे में आतिशी से तमाम वो फैसले जो है वो साइन करवाए जाएंगे जिनसे आगे आने वाले विधानसभा चुनाव पर असर पड़े। और देखिए 26 और 27 सितंबर को विधानसभा का सत्र भी बुलाया गया है। ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था दिल्ली की हर महिला को 1000 रुपए मिलेंगे, ऐसे में आतिशी उस पर भी हस्तक्षेप करती हुई नजर आएंगी। और आप देखिए, महिलाओं का जो वोट बैंक है वो पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी के पास नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली में 200 यूनिट तक जो बिजली है वो फ्री है। अगर अरविंद केजरीवाल की वादों की बात की जाए तो देखिए, स्वास्थ्य का अरविंद केजरीवाल बेहद ताल ठोक कर दावा करते आए हैं। स्वास्थ्य में भी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो ग्राउंड पर उतरेगी, शिक्षा को लेकर उतरेगी। आपके पास मैं आऊंगी, आलोक मेहता एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हिमांशु भट्ट हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। सबसे पहले आलोक सर, अब ये फैसला, हालांकि सबसे आगे नाम शुरुआत से ही आतिशी का ही चल रहा था और अब तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी होंगी, आप इसे कैसे देखते हैं? पहले तो बधाई देना चाहिए राकेश सिंह अपने मैनेजिंग एडिटर ने जी। सबसे पहले 2 दिन पहले से बराबर ये कह दिया था कि उनकी पत्नी सुनीता नहीं बनने वाली है। और आतिशी चूंकि वैसे डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर काम कर ही रही थी, अरविंद केजरीवाल के बाहर रहने जेल में रहने पर निश्चित रूप से सारी जिम्मेदारियां वो निभा रही थी। फिर वो 2013 से उनके साथ जुड़ी हुई हैं, योगेंद्र यादव उनको लाए, आपको योगेंद्र यादव अलग हो गए, अरविंद केजरीवाल ने धक्का देके निकाल दिया उन्हें, लेकिन ऐसी स्थिति में इनका ही सबसे बड़ा रोल था। शिक्षा की भी सलाहकार वो मनीष, सही में एक और झगड़ा है, मनीष सिसोदिया का एक अलग गुट है। देखिए बहुत क्लीन बात करना चाहिए अपने दर्शकों के लिए, मनीष सिसोदिया का अपना एक अस्तित्व रहा है, पहले मनीष सिसोदिया को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, संजय सिंह अलग है ही, कई लोग आशुतोष जैसे कई लोग तो मनीष सिसोदिया के प्रभुत्व की वजह से छोड़कर गए, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी स्थिति में कई नेता इसीलिए गए थे कि मनीष का बहुत ज्यादा वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे इस पूरे। अच्छा, दूसरा आतिशी
ये शराब घोटाला कांड में भी उनका उस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ही चाहे कहें उनका भी चर्चा होती रही है। तो इस सारे मामले में एक महिला के नाते दिल्ली के, और वो पढ़ी लिखी है, देखिए एक तरफ राजनीति में तो विवाद हो गई लेकिन वो बहुत ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई है, एक बहुत अच्छी शिक्षा को जानती है, और दिल्ली में शिक्षा का जो भी प्रचार मनीष सिसोदिया ने किया असली काम आतिशी ने किया था। मनीष सिसोदिया सिंसियर है, मैं उस पर इनकार नहीं करता, वो मीडिया से जुड़े हुए थे, और लेकिन उनको असली काम इन्होंने, चूंकि ये ज्यादा पढ़ी लिखी भी है और विदेश में पढ़ के आई थी, इसीलिए विदेश में शिक्षक भेजना, विदेश से छात्रों को यहाँ से पढ़ाना भी अलग बात है कि वहाँ की पढ़ाई यहाँ की पढ़ाई बहुत अंतर है, उसका कोई फायदा नहीं मिला। बाहर की फंडिंग की जो जरूरत है उसमें शिक्षा के क्षेत्र के नाम पर या स्वास्थ्य के नाम पर कोई फंडिंग क्या हो सकती है पार्टी के लिए, इस सब काम में आतिशी की भूमिका थी, इसलिए केवल अटकले। दो दिन केजरीवाल ने जो ड्रामा किया, कौन बन सकता है आखिरी, अभी 11 बजे तक ये कहते रहे कौन बन रहा है, सबको मालूम था, लेकिन दिखाने के लिए कि मीडिया में छाए रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन में या कोई उनके 100 दिन पूरे होने पर जो भी बातें हो उसके बजाय केजरीवाल का पूरा ही देश में उनकी चर्चा होती रहे। तो देखिये ये तो राजनीति का खेल, मीडिया का खेल, और अब 3 महीने बाद चुनाव है, इसलिए 3 महीने में जो जो 1,000 रुपया देने का वायदा किया है दे सके तो बहुत ही अच्छा है। दिल्ली की महिलाओं को फॉर्म पर लिख करके लिया गया था कि हम तुम हमें वोट दोगी तो तुम्हें 1,000 रुपया महीना मिलेगा, अब वो इंतजार कर रही है लोकसभा चुनाव के बाद 100 दिन से। यदि आतिशी बनते ही, यदि उनके हाथ में तो सारे मंत्रालय अब रहेंगे, क्या वो दे पाएंगी या फिर से एक दस्तखत करा लेंगी ज्यादा वोट उनको मिले, इस बार उतने वोट तो नहीं मिल पाए। गरीब और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का वोट लेने के लिए सारे हथकंडे जो अपना सकते थे आम आदमी पार्टी ने अपनाए हैं और अभी भी अपनाएंगे। राजनीति का खेल है, बीजेपी अपना खेल कर सकती है, उनके सामने भी कई महिलाएं हैं, स्वराज कौशल जिस तरह से सामने आई हैं उनका भी एक अपने आप में एक बड़ा दाम हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने भी अलका लांबा जो कभी आम आदमी पार्टी के साथ थी, तो दिल्ली की लड़ाई में महिला का प्रतिनिधित्व जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद कहते भी रहे हैं महिलाएं आगे आना चाहिए, तो दिल्ली में तो दिखा दिया, दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री को उन्होंने केजरीवाल ने अपना त्याग भी दिखाया है। भगत सिंह की तरह सूली तो नहीं लटके और नहीं लटकना भी चाहिए कभी भी, लेकिन ये कि वो भगत सिंह का नाम भगत सिंह की डायरी लेकर के घूम रहे हैं तो ठीक है, उन्होंने अपना एक शहीदाना अंदाज दिखाया है, उसका भी जितना लाभ होगा दिल्लीवासी डिसाइड करेंगे। ठीक है, हमारे साथ हिमांशु भट्ट जी भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? और देखिए क्योंकि ऑलमोस्ट पहले से ही बहुत हद तक जिस तरह से आलोक सर कह रहे हैं और हमें लगातार राकेश सिंह भी बताते रहे कि लगभग आतिशी का नाम ही तय है और उसी तरह से मोहर लगी, आतिशी का नाम फाइनल कर दिया गया, लेकिन क्या चीजें रही जो आतिशी के फेवर में चली गई, क्योंकि नाम तो कई थे लिस्ट में? मैं ये समझता हूं कि अभी 4:30 बजे इनका नाम तो अनाउंस कर दिया, अभी 4:30 बजे जब लेफ्टिनेंट गवर्नर से इनको ये मिलेंगे और कहेंगे आतिशी का नाम और आतिशी सीएम बन जाएगी, उसके बाद का 1.5-2 महीने का विंडो उनके फेवर में जाने की वजह है, मुझे यह दिखता है कि दिल्ली सीएमशिप इज गोइंग टू बी ऑल विमेन्स रेस फ्रॉम ऑल साइड, हर तरफ से महिलाएं एक दूसरे के सामने होंगी। तीन प्रमुख पार्टियां इस वक्त महिलाओं को दे और आतिशी, जैसे हम लोग बताते रहे हैं इंडिया न्यूज में तो काफी बता चुके हैं हम लोग कि जब जेल में थे केजरीवाल जी तो आतिशी हर एक काम सीएम का डिफेक्टो संभालते, बिल्कुल। तो अभी पिछले कई समय से हम देखें तो आप आम आदमी पार्टी के आपकी जो प्रशासन के अंदर जो हुकूमत रही है और जो रियल हुकूमत जिसे हम कहते हैं जेल वाले नहीं, जेल के जो बाहर थे और जो चला रहे थे, उसमें 2-3 ही नाम हम गिना सकते हैं जिसमें आतिशी का नाम प्रमुख है। आलोक सर ने बहुत कुछ बता दिया जी। मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, मगर आपको यह बात समझनी जरूरी है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो अंदरूनी गुट है, अंदरूनी गुटों के अंदर भी आतिशी एक ऐसे गुट का रिप्रेजेंटेशन करती है, भले ही वो सुप्रीमो को वफादार है मगर वो एक ऐसे गुट का रिप्रेजेंटेशन करती है कि जो बैलेंस एंड चेक्स रख पाता है। और जब अरविंद केजरीवाल जी ने